प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उड़न में तारा नेत्र यज्ञ के संस्थापक सदगुरु रणछोड़ दास महाराज चित्रकूट वाले की प्रेरणा से प्रेरित होकर सदगुरु परिवार ट्रस्ट राजकोट और इंदौर चौथराम नेत्रालय के अलावा अंधत्व निवारण समिति के द्वारा संयुक्त रूप से एक आयोजन किया गया है, जहां लोगों के नेत्र का उपचार किया गया है, जांच की गई है, जिसके बाद कुल 86 रोगियों की यहां जांच हुई है, जिनमें से 14 रोगियों की आंख का ऑपरेशन इंदौर के चौथराम अस्पताल में होगा। बस द्वारा इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है, तो वहीं सभी मरीजों का अब फ्री में इलाज होगा। यहाँ पर इलाज भी फ्री है और उसके साथ में रहना खाना भी फ्री रहेगा। सभी मरीजों को सदगुरु परिवार ट्रस्ट द्वारा एक कंबल भी वितरित किया गया है। मैं विजन केयर ऑफिसर हूँ रतलाम डिस्ट्रिक्ट का। हम समता फाउंडेशन से जुड़े हैं। हमारा फाउंडेशन सर गाँव में जाके कैंप का प्रचार करते हैं। जहाँ जहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके 10 किलोमीटर दायरे में हम जो गाँव लगते हैं उन गाँव का प्रचार करते हैं, कैंप का आयोजन करते हैं। आज कितने मरीज आएंगे? आज सर लगभग 60 के आसपास अभी ओपीडी होगी और अभी जाँच चल रही है। अच्छा, और कितने सिलेक्ट कितने हुए हैं? अभी सर 12-13 सिलेक्ट हो गए हैं और इनमें जो चयनित होंगे इनको आज ही हम इंदौर ले जाएंगे, कल ऑपरेशन होगा, परसों इनको रिटर्न वापस यहाँ छोड़ देंगे। वापस आना जाना रहना सब फ्री रहेगा। फ्री रहेगा जी। दावरा सिविल हॉस्पिटल से हूँ। हाँ। और यहाँ पे जो समता फाउंडेशन के तत्वावधान में और चोइथराम नेत्रालय इंदौर के, इन दोनों के संयुक्त संगठन से यहाँ पर मोतियाबिंद परीक्षण शिविर लगाया गया है और अभी तक यहाँ पे कुल 60 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से 12 मरीज मोतियाबिंद के चिन्हित किए गए हैं। इनको ऑपरेशन के लिए चोइथराम नेत्रालय इंदौर ले जाया जाएगा। वहाँ पे इनका पूरा निशुल्क नेत्र परीक्षण, ऑपरेशन और वापस यहाँ तक लाने की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इनको कब ले जाएंगे? जी आज ही ले जाएंगे, अभी 2 बजे के आसपास यहाँ से गाड़ी जाएगी जो तो सीधे इंदौर ले जाएंगे। जी हाँ सर जी। अभी कितने हो टोटल? अभी सर कुल 12 मरीज हुए हैं। आपका शुभ नाम? मैं अनुप जोशी हूँ सर, नेत्र चिकित्सा सहायक जावरा सिविल हॉस्पिटल जावरा।